हाँ गैस मैं अनिल नायर बीकॉम सेकंड कमला कॉलेज से बीकॉम सेकंड के छात्रों के लिए बीकॉम ऑनर्स के छात्रों के लिए इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक है सर जो लेशन का नाम है इसमें से आपको मैं कॉल से एडवांस आंसर आ रहा है एडवांस मतलब समझ गए जब कंपनी शेयर्स को इश्यू कर दे तो कोई बहुत से ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसे को एडवांस में दे देते हैं पहले दे देते हैं अग्रिम भुगतान कर देते हैं कॉल से एडवांस कहते हैं एडवांस जैसा आपको मालूम है इसका रूल एडवांस शब्द ही लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज मतलब का एक रूल है जब लाइबिलिटीज इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होता है जब डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है कॉस्ट इन एडवांस के संबंध में जो कंपनी है जो हमारी बुक है उसमें 9.6% दिया है उससे जो नया एडिशन है उसमें 12% है इंटरेस्ट मिलता है आपसे बोलेगा नहीं तब भी इंटरेस्ट आपको लगा बोलेगा कैलकुलेट द इंटरेस्ट तो आपको 12% आपको इंटरेस्ट देना है ये जो क्वेश्चन है इसमें 6% दिए हुए है ओके पुरानी किताब है हमारे पास तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें क्वेश्चन में मैंने आपको बीकॉम ऑनर्स के लड़कों के जो बीकॉम कमला कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्वेश्चन को डाला हुआ था फिर मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ बोलता है कि एक सौरभ लिमिटेड है उसने 10,000 शेयर सेल्स किए इशू ऑफ शेयर है 10,000 ओके क्वेश्चन इस तरह है कि एक कंपनी है सौरभ लिमिटेड उसने 10,000 शेयर जनता को निर्गमित किए उन्होंने इशू किया मार्केट में उसे ले अप्लाइड भी हुए हैं वो पूरे हुए हैं उसमें कास्ट इन एडवांस नहीं करना है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है जो एप्लीकेशन के लिए कहती है एप्लीकेशन के लिए जो नोटिस है वो 2 रुपए है अलॉटमेंट का है जो अलॉटमेंट है वो कितने का है अलॉटमेंट 3 रुपीज का ₹3 है और जो फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपीज का है और सेकंड कॉल पे 2 रुपीज का है तो बैलेंस अमाउंट 2 रुपीज का है जो कहता है कंपनी इश्यू करता है शेयर एप्लीकेशन रिसीव होता है कंपनी जनरेट बोलता है कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर सुभाष जिसके पास 600 शेयर उसको अलॉट किए गए थे उसने सेकंड कॉल का पैसा जो है फर्स्ट कॉल में दे दिया किसका सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया एडवांस में ओके और जो इंटरनल जो इनका जो कंपनी का जो प्रोविजन है उसमें 6% एडवांस पर इंटरेस्ट देने का प्रोविजन है इसमें ओके जो जब भी कॉल से एडवांस आपसे बोलेगा उसमें डेट जरूर दिया रहेगा अलॉटमेंट का भी दिया रहेगा एप्लीकेशन का भी दिया रहेगा फर्स्ट कॉल का भी दिया रहेगा और सेकंड कॉल क्योंकि डेट से ही आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है ओके तो यहाँ पे क्या है जो एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी को है और जो अलॉटमेंट है वो 1 फरवरी को है फर्स्ट कॉल जो है वो 1 जुलाई को है और सेकंड कॉल जो है वो 1 नवंबर को है आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना और जनरल एंडी करना है आपको मतलब मैं आपको एक बताता हूँ रूल्स इस पे कि कभी भी लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है इसको आप दिमाग में रखिएगा तो मैं कंपनी इसका सवाल सॉल्व करता हूँ आपको कितने शेयर है 10,000 शेयर है एप्लीकेशन 2 रुपीज है 3 रुपीज अलॉटमेंट के 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज सेकंड कॉल के ओके एक पर्सन है जिसका नाम सुभाष है उसने 600 शेयर के लिए जो पैसा है सेक्स उसको अलॉट कितने किए गए थे 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल का पैसा दे दिया आपको एडवांस में दे दिया तो बहुत सरल सा है इसको आपको सॉल्व करके बता दे कल से एडवांस है जनवरी 1st क्योंकि मैंने बताया था इस पर डेट का महत्व रखना है 1 जनवरी को इसको कंपनी ने शेयर्स को इशू किया जनता ने एप्लीकेशन दिया पूरे शेयर अलॉट कर दिए एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ओके तो देखिए आप सवाल को कैसे सॉल्व करना है देखिए 1 जनवरी को
बैंक अकाउंट डेबिट ओके करने के लिए नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने के 10,000 एप्लीकेशन देती है 2 रुपीज ओके शेयर एप्लीकेशन ओके 20,000 रुपये आपको अमाउंट मिलेगा डेलिंग एप्लीकेशन अमाउंट आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तारीख क्या होगी जनवरी 1 ही रहेगी ओके डेट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है डेट रहेगा तो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेशन करूंगा ओके नरेशन यही होगा नेम अमाउंट ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल ओके अलॉटमेंट आपकी सेकंड प्रक्रिया होगी ओके तो कब है डेट क्या फरवरी फर्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा ओके टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू कर दिया मैंने कितनी है 30,000 रुपया 3 रुपीज पर पल है अलॉटमेंट का इसलिए 30,000 ओके बीइंग नरेशन है बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ठीक है नरेशन ही हो गया आपका ठीक इसके बाद आपको ऑफकोर्स इसका अमाउंट रिसीव करना है स्पेस होगा बैंक अकाउंट डेबिट सेल राउंड ठीक है ये कितनी होगी 30,000 ये आपका अलॉटमेंट हो गया अब ऊपर समझ में आ गया आपको एप्लीकेशन दिया मैंने एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया मैंने इसमें कैपिटल में और अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया रिसीव किया अमाउंट को अलॉटमेंट का अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ओके क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ही एडवांस आपको मिलता है जो फर्स्ट कॉल है वो जो तारीख है उसकी वो है 1st जुलाई को कब है जुलाई 1st फर्स्ट कॉल अकाउंट ओके वो कितना बोला है 10,000 इनटू फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपीज है कितने का 3 रुपीज है तो शेयर फर्स्ट कॉल जो कर दिया मैंने तो शेयर कैपिटल लेगा ओके तो कितनी होगी 30,000 नरेशन क्या होगा बीइंग शेयर
क्या डायरेक्शन प्लीज है फर्स्ट कॉल अमाउंट हम आपको रिसीविंग अमाउंट है इसीलिए एडवांस ले रहा है जुलाई फर्स्ट बैंक अकाउंट ओके टू शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल हो गया टू काफी एडवांस हो गया 600 शेयर होल्डर्स हैं कितने 600 शेयर होल्डर्स कितना होगा 600 लोगों ने कितना पैसा एडवांस दिया आपको ₹2 मतलब सेकंड कॉल का पैसा उसने एडवांस दिया तो ₹2 का सेकंड कॉल तो 600 ओके ये कितने का ये कितना होगा 30,000 ओके नरेशन देख लोगे लिंक कैसे सिर्फ फॉर फर्स्ट कॉल सिर्फ सॉरी लिंक कैश रिसीव फॉर फर्स्ट कॉल एंड एडवांस फॉर सेकंड कॉल अब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे ये कब कर रहे हो 1 नवंबर को कर रहे हो कब कर रहे हो 1 नवंबर को सेकंड कॉल है आपका ठीक है नवंबर से फर्स्ट देखो क्या शेयर सेकंड है फाइनल कॉल कितनी है सेकंड रैंक फाइनल कॉल ट्यू ओके सर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया ड्यू हो गया अब हम रिसीविंग अमाउंट की जब मैंने बताया था कि आपकी जब अमाउंट रिसीव करोगे तो वो इंक्रीज करता है एडवांस आप जब भी रिसीव करते हो तो एडवांस जो है लायबिलिटीज है वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा देखिए मैंने इसको क्रेडिट किया कल से एडवांस फिर बताया मैंने जब लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो वो डेबिट होता है अब हमको क्योंकि एडवांस आपने फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल का पैसा लिया अब सेकंड कॉल में इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा याद रखिएगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा मीन्स एडवांस जब भी आप रिसीव करते हो वो क्या होता है क्रेडिट होता है जब भी आप डिक्रीज करते हो तो वो डेबिट होता है बैंक अकाउंट ये कितनी हो गई 20,000 रुपए एडवांस कितनी है 1,200 रुपए ये कितनी हो जाएगी जैसा आपका एडवांस दे हो ना तो ये है 1,200 रुपए इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया क्योंकि एक ही कॉल है लास्ट कॉल था इसके बाद कोई कॉल्स नहीं है ये एडजस्ट कर दिया मैंने इसको ओके बी कैश रिसीव्ड फॉर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ओके अब इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने से पहले मैं एंट्री बता देता हूं आपको एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ओके ये कितनी होगी मेन रेशन इंटरेस्ट ओके अब इसका एडवांस कर आपको कब मिला पैसा वो जुलाई फर्स्ट को जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई पैसा मिला फर्स्ट कॉल आपका एक जुलाई में था जुलाई
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एक को कितने महीने का 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है कितने का 1200 रुपीज का कितने का 1200 रुपीज का कितने महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला 6% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% दिया हुआ है ओके और कितने महीने का निकालना है आपको 4 मंथ कितना हो गया 24 रुपीज ओके ठीक है इसमें 24 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो गया अब आपको मैं एक और सवाल बताने वाला इसमें फर्स्ट ये अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा देता है इसको समझिए कि इसमें एक कॉल पे ही था इसमें एक ही एडजस्टमेंट आपको मैंने दिया तो कितने बोला मैंने कि 600 शेयर होल्डर्स ने उसने एडवांस पैसा दे दिया आपको कैसा पैसा दिया उसने सेकंड कॉल का पैसा दिया आपको तो सेकंड कॉल का पैसा जब उसने दिया आपको एडवांस में तो आपको इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है ओके कैसे करना है आपको एक और सवाल मैं बता रहा हूँ कॉल से एडवांस में अलॉटमेंट में भी आपको एडवांस मिल सकता है फर्स्ट कॉल में भी मिल सकता है सेकंड कॉल अगर है थर्ड कॉल होगा तो सेकंड कॉल में मिल सकता है बट बेसिकली अलॉटमेंट में पैसा बहुत से लोग देते हैं तो ये देखिएगा कैसा सवाल है एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था उसका नाम है एक कंपनी 50,000 शेयर्स इश्यू करता है उसमें 2 रुपीज सब एप्लीकेशन है 2 रुपीज 50 पैसा अलॉटमेंट का है 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का है और 3 रुपीज सेकंड कॉल का है सवाल को समझिएगा ओके कितने के लिए एप्लीकेशन आता है 90,000 रुपीज का पहले देख लीजिए सवाल को देख लीजिए जो कंपनी है पब्लिक में जो शेयर इश्यू करती है इश्यू ऑफ शेयर कितनी है वो कितनी है पब्लिकली और जनता को भेजती है 50,000 जनता के लिए ऑफर करती है 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई अप्लाई फॉर शेयर कितनी है जनता से कितने के लिए आवेदन है 90,000 ओके देखिए कितने इश्यू किया 50,000 अप्लाइड कितनी हुई 90,000 बोलता है 45,000 शेयर होल्डर्स को उसने जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट का कैटेगरी बनाया एक पर्सन है जिसने 45,000 के लिए 45,000 के लिए आवेदन किया था 45,000 शेयर के लिए उसको कितने शेयर अलॉट कर दिए उसने कहा कि उसको 45,000 शेयर अलॉट कर दिए फर्स्ट कैटेगरी में कैटेगरी फर्स्ट ही ओके फिर बोलता है जो बैलेंस है 20,000 रुपीज कहता है बैलेंस जो 20,000 शेयर होल्डर है टी एक शख्स मान लीजिए उसने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको 25% शेयर अलॉट किए गए कितने 25% मींस कितना हो गया 5,000 शेयर उसको अलॉट किए ओके अब बचे कितने बचे जो शेयर होल्डर है उसको कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं किया गया ओके बचे कितने सी उसको कितने शेयर होल्डर बचे 25,000 शेयर होल्डर्स इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया इनको रिटर्न कर दिया गया ये कंपनी का अलॉटमेंट हुआ ओके इनको न्यू अलॉटमेंट आ गया ओके समझ गया कंपनी ने कितने शेयर इशू किए 50,000 एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए 90,000 अलॉटमेंट की कैटेगरी बनाई ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी ए कैटेगरी में बोला जिस पर्सन ने 45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है उसको 100% शेयर अलॉट कर दिया मतलब 45,000 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिए थे उसके पूरे पूरे शेयर अलॉट हो गए मींस उसको 45,000 में 45,000 शेयर दे दिए फिर बी कैटेगरी है उसको उसने कैटेगरी बी में था उसको कहा गया जो 20,000 के लिए एप्लीकेशन दिया उसको कितने शेयर अलॉट किए गए खाली 20,000 शेयर अलॉट किए गए फिर कैटेगरी सी है वो बोला नहीं है वो निकालने आपको 25,000 शेयर होल्डर्स बचे उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया
ये अलॉटमेंट की इसकी प्रक्रिया थी। लिखता है जो तारीख है वो जो पूरी प्रोसेस है वो जनवरी को रहता है और जो फर्स्ट कॉल है वो नवंबर फर्स्ट को है और जो सेकंड कॉल है 2008 को है। एक शेयर होल्डर है और जो नवंबर के बाद फरवरी में है सेकंड कॉल। निर्गमन की शर्तों का आवेदन पत्र के आवंटन में किया जाएगा। एक हजार वन शेयर होल्डर जिसके पास 5000 शेयर थे उसने संपूर्ण राशि का पैसा एक शेयर होल्डर जो कैटेगरी फर्स्ट का था उसने उसको कितने शेयर होल्डर किए गए थे 5000 शेयर उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय दे दिया उसने। ओके और कहता है जो अलॉटमेंट का पैसा आपको एडवांस मिलेगा उसको 5% इंटरेस्ट आपको देना है। ओके और जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी, ये भी स्पष्ट कंपनी ने बोला है। आपको इसमें क्या ओवर सब्सक्रिप्शन भी है कैलसिन एडवांस भी है, लेकिन पहले आपको कैटेगरी बी को आपको देखना है थोड़ा सा कि कैटेगरी बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखाएगा। देखिएगा कैसे क्या है। कैटेगरी बी जो है उसमें जो शेयर्स हैं उसको कितने अलॉट किए गए कैटेगरी बी उसको अलॉट किए गए उसने एप्लीकेशन देते दे दिया 20,000 शेयर्स के लिए उसके कितने पैसे हैं एप्लीकेशन में उससे आपने 2 रुपए से हिसाब से 40,000 रुपए लिया है अमाउंट रिसीव करेगा। ये अमाउंट रिसीव किया फॉर एप्लीकेशन है। ओके आप उसको कितने शेयर अलॉट करते हो आप खाली उसको खाली 25% देते हो मैं 5 शेयर से अलॉट करते हो लेस करो। अलॉटेड शेयर देते हो उसको खाली 5% कितनी बची 2 रुपए के हिसाब से 10,000। ओके देखिए उसको 2 रुपए एप्लीकेशन का है तो जो अलॉटेड शेयर देते गए 5,000 शेयर है 2 रुपए के हिसाब से कितने होंगे उसको 10,000 रुपए हुए। उसका एक्सेस अमाउंट कितनी है एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो कितनी है उसकी 30,000 रुपीज है। कितनी है 30,000 रुपीज उससे आपने उसने अग्रिम पैसा आपको कितना दिया हुआ है 30,000 रुपए अभी भी दिया हुआ है। आप उसको लेस फर्स्ट फॉर्म में कितना है वो दे रहा है उसके अलॉटमेंट में कितना प्रयोग करोगे आप उसका अलॉटमेंट में आप उसको 5,000 इंटू 2.50 रुपीज करोगे कितना 2.50 रुपए तो कितना हो गया 12,500 रुपए। ओके कितना बचा सत्रह हजार 500 रुपए अभी भी आपके पास एडवांस पड़ा हुआ है उसको किसमें डालोगे लेस फर्स्ट कॉल में आप उसका पैसा दोगे। फर्स्ट कॉल में कितना है फर्स्ट कॉल जो है वो कितने की है 3 रुपीज की है कितने की है 3 रुपीज तो कितना हो गया 5,000 इंटू 3 कितना हो गया 15,000। मीन्स जो सेकंड कैटेगरी का आदमी है सेकंड कैटेगरी वाले का एडजस्टमेंट कहा होगा अलॉटमेंट में भी होगा फर्स्ट कॉल में भी होगा और सेकंड को फर्स्ट कॉल में कितना होगा 12,000 अलॉटमेंट में होगा 12,500 और सेकंड कॉल में फर्स्ट कॉल में कितनी होगी 15,000। और देखिए यहां लिख देता हूं मैं अलॉटमेंट में इसका कितना पैसा होगा 12,500 फर्स्ट कॉल में उसका होगा 15,000 और सेकंड कॉल में उसका पैसा हो जाएगा 2,500 रुपए। मतलब इसका पैसा तीनों कॉल में है अलॉटमेंट में भी है फर्स्ट कॉल में भी है और सेकंड कॉल में भी है। लेकिन कंपनी का प्रोविजन ये है कि कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन में किसी भी पर्सन को एडवांस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके अब आपको सवाल को सॉल्व करना है। एक पर्सन है जो कैटेगरी फर्स्ट का था उसको वो कहता है कि कैटेगरी फर्स्ट वाला जो पर्सन है उसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ था उसको 5,000 से अलॉट किया क्योंकि 100% अलॉटमेंट था उसको 5,000 शेयर के लिए अलॉटमेंट किया उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा एडवांस दे दिया सेकंड कॉल के भी पैसा कहां दे दिया एडवांस अलॉटमेंट में। ओके तो आपको 3 एडजस्टमेंट इसमें करना है अलॉटमेंट में जब पैसा रिसीव करोगे तो 3 एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके
देखें पहला होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें अभी डेट का बात नहीं, डेट बाद में आपको समझाएंगे, क्योंकि डेट इसमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन का नहीं दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट ये लिखा है 90,000 × 2, ओके 1,80,000 रुपये। कितनी हुई 1,80,000 रुपये आपका अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल में हो गया, एप्लीकेशन का रिसीव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है नरेशन, आप लोग लिख लीजिएगा नरेशन, अब मैं बार बार नरेशन रहा हूँ क्योंकि इसके पहले एक बार नरेशन तो था, सेम नरेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ओके टू शेयर कैपिटल, ये कितनी थी 50,000 × 2 चलेगा 1,00,000 रुपए। देखिए इसमें से 25,000 शेयर होल्डर्स का पैसा आपको वापस भी कर रहे हो, एक्सेस एप्लीकेशन 90,000 आया था, 20,000 तो एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन 25,000 शेयर होल्डर्स जो एक्सेस एप्लीकेशन आए वो वापस कर रहे हो आप, ओके। कितना हो गया उसको वापस कर दिया, जो कि उसको कोई भी अध्यक्ष कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया 25,000। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी बी था, कैटेगरी बी का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में भी यूज हो रहा, फर्स्ट कॉल में भी यूज हो रहा है और सेकंड कॉल में भी यूज हो रहा है। तो सिर्फ फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में कितना यूज होता है, उसका फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में उसका पैसा यूज हो रहा है कितना, वो था 12,500 था फर्स्ट कॉल में उसका था शेयर, फर्स्ट कॉल में कितना हुआ 5,000 थे और सेकंड कॉल में भी उसका पैसा था, मैंने पहले ही बताया था आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल ये कितनी थी 2,500 रुपया, ओके। ये पैसा एडजस्टमेंट हो गया, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो आया वो कैटेगरी बी में एक ऐसा पर्सन था जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको खाली आपने 25% सेल्स अलॉट किए, जिसका एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न नहीं कर रहा, वो बोलता है कि एप्लीकेशन और कॉल्स में उसको एडजस्ट करना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में उसको एडजस्ट करना है, तो उसको मैंने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल में भी सेकंड कॉल में भी और अलॉटमेंट में, तीन जगह उसको एडजस्ट किया। लेकिन ये भी सब बोलता है जो एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट आई है उस पर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, मैं आपसे अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ।
देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर अलॉट किए थे, ये इशू किया था 2.50 पर शेयर अलॉटमेंट है, कितना का वादा 25,000। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, किसी अलॉटमेंट की डेट नहीं दी हुई है, ना तो इशू की डेट दी है ना तो अलॉटमेंट की, इंटरेस्ट निकालने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें अपना तरफ से एडजस्टमेंट करा देता हूँ। इसको मान लेता हूँ जनवरी फर्स्ट है, क्या मानता हूँ जनवरी फर्स्ट है, इसलिए जनवरी फर्स्ट में इसमें लिख देता हूँ। ओके, इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट आपको निकालना है इसमें, इंटरेस्ट पर डेट जरूरी है अलॉटमेंट की। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये अलॉटमेंट का हो गया। अब आपको पैसा लेना है, कहता है बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, आपको क्वार्टर इन एडवांस भी है, तो शेयर अलॉटमेंट कितनी है, 1,25,000, 12,500 क्यों हो गया, समझ गए कि कहते हैं बी का पर्सन जो है उसने अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के समय दिया होगा। आप देखिएगा एप्लीकेशन लिखा हुआ है जो शेयर कैपिटल टू शेयर टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में 12,500 रुपया लिखा है, इसको 1,25,000 रुपए इसमें 12,500 में माइनस कर दिया, कितनी हो गई 1,12,500 रुपए लिख सकते हो आप, 5,000 शेयर होल्डर्स है जिसने एडवांस में पैसा दिया हुआ है आपको, तो कितना रुपए दिया उसने पैसा, उसने कैगर का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का दिया और सेकंड कॉल का, फर्स्ट कॉल का कितने रुपए है 3 रुपीज है और सिकल कर 2.50 रुपीज है, तो कितनी हो गई 5,000 × 5 रुपीज 50 पैसे, ठीक है ये कितना हो गया, ये 27,500, ये कितना हो गया 1,40,000। ओके, इसको दोनों को मैं प्लस कर दिया। ओके, अब इसमें करना क्या है आपको, आपको मैंने पहले बताया था जब भी एडवांस मिलेगा वो क्रेडिट होगा और जब एडजस्ट होगा तो वो डेबिट होगा। यहाँ पर मैंने दो एडजस्टमेंट किया हुआ है, एक काले एक्सेस एप्लीकेशन के अमाउंट को भी एडजस्ट किया हुआ है और कासिन एडवांस को भी एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। आपसे फर्स्ट कॉल ड्यू करता हूँ, फर्स्ट कॉल जो है वो है 3 रुपीज का, फर्स्ट कॉल कितने की है 3 रुपीज के, जिसकी डेट दी हुई है 1 नवंबर, कब दी है 1 नवंबर, डेट होनी जरूरी है क्योंकि डेट बिना इस सवाल सामने कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो नवंबर फर्स्ट लिखेंगे शेयर ये कितनी है 50,000 × 3 ओके 50,000 × 3 ये एडवांस का पैसा आपको ड्यू कर दिया हमने, नरेशन लिखो के भी इसे फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, अब आपको पैसा लेना है आपको शेयर बैंक अकाउंट डेबिट का से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल। ओके, कितना फर्स्ट कॉल कितनी है आपको 1,50,000 रुपीज लेनी थी। ओके, 1,50,000 रुपीज लेनी थी जिसमें से एक पर्सन जो कैटेगरी सेकंड का था उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में लिया, कितना 15 जो किसने 5,000 रुपए एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, 5,000 × 3 ये कितनी हो जाएगी 15,000 कितना पैसा मिलेगा आपको 1,20,000 रुपीज यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखे 3,000 शेयर होल्डर्स का उसने अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा दिया हुआ था, तो 5,000 × 3 कितना हो गया 15,000 एडजस्ट हो गया, मैंने बताया था जब रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, जब एडजस्ट होगा तो डेबिट होगा। 1,35,000 जब भी ड्यू आपने 1,50,000 किया हुआ है क्योंकि मैंने वहां पे जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है उसमें एडजस्ट किया हुआ है इसको 15,000 फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया।
here. Second end. Here first February here. First next year. ये कितनी होगी 50,000 इनटू 2 rupees 50 paise ओके तो शेयर कैपिटल ओके ये कितनी होगी 1,25,000 कितनी होगी 1,25,000 रुपीस ओके कितना भी हो गई है ठीक इसके बाद आप रिसीविंग अमाउंट चलेंगे इसमें तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कार्ड सेंड एडवांस अकाउंट टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल ओके कितना 1,25,000 रुपीस है कैटेगरी सेकंड वाला 2,500 रुपीस नहीं देगा मैंने आपको उसका सेकंड इंटरव्यू एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो आप देखेंगे वहां मिल जाएगा आपको तो कितना नहीं देगा बता आपको मिलना है 1,22,500 रुपीस ओके मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट कितनी की है 5,000 × 2 rupees 50 paise कल से एडवांस है ये कितनी जाएगी 12,500 ये कितने जाएगी 1,10,000 ओके ये आपका पैसा आपको मिल गया कैसे मिला आपको कार से एडवांस में आपने देखा होगा कि कार से एडवांस जो होता है वो जब रिसीव होता है वो क्रेडिट होता है जो एडजस्टमेंट होता है वो डेबिट होता है आप इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब करोगे कैसे करोगे देखिए इसमें दो कमियां है पहला आपको पैसा कब मिला इसमें तारीख नहीं दी है डेट नहीं दी है जनवरी फर्स्ट को मिला क्या कब मिला जनवरी फर्स्ट को अब पहला एडजस्टमेंट आप कब करते हो पहला एडजस्टमेंट आप करते हो नवंबर फर्स्ट को तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 11 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे फिर उसके बाद इसका जो जो है नवंबर और दिसंबर जनवरी 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे इसका कैलकुलेशन इस तरह होगा और इसमें रेट दिए 50% तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अब आपको जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो में बताऊंगा आपको उसमें आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स री इश्यूज ऑफ शेयर्स ये बताऊंगा बताने से पहले मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना एक बार इस पर डिस्कस करूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है जब कंपनी जब शेयर्स होल्डर्स को शेयर अलॉट कर देती है अलॉटमेंट के पश्चात कंपनी का उससे कॉल्स करती है मांगती है पैसा कि आप घर को पैसा दीजिए अलॉटमेंट का पैसा मांगती है एप्लीकेशन का हर कोई पैसा देता है अलॉटमेंट का पैसा मांगती है फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है सेकंड कॉल का पैसा मांगती है यदि कोई शेयर होल्डर्स उसके पैसा मांगने पर कंपनी के पैसा मांगने पर वो देने से इनकार कर देता है या वो नहीं देता ऐसे कंडीशन में कंपनी एक लीगल प्रोसेस के द्वारा जो उसका अपना लीगल प्रोसीजर है उसको फुलफिल करने के बाद कंपनी उसको एक नोटिस देती है उन नोटिस का जवाब अगर वो ऐसा उस नोटिस को भी नहीं देता है तो वो कई एक और रिमाइंडर भेजता है उसके बाद वो कंपनी क्या करती है उसके शेयर होल्डर्स को कैंसिल कर देती है उसके शेयर को अलॉटमेंट को निरस्त कर देती है या अंशों को निरस्त कर देती है उसको हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कंपनी अपने लीगल जितने भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद ही करती है तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जस्ट इसके बाद का जो हेडिंग होगा वो आपको पढ़ाऊंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स री इशू ऑफ शेयर्स ये दोनों ही चीज बताऊंगा देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है वो एट पर होगा एट प्रीमियम होगा एट डिस्काउंट जो कि डिस्काउंट भी इसमें है मैंने आपको डिस्काउंट भी बताऊंगा उसको तो डिस्काउंट भी मिलेगा आपको प्रीमियम भी मिलेगा आपको एट पर भी मिलेगा किन का सामान्य पर अंशों का प्रीमियम पर अंशोकरण पट्टे पर अंशोकरण तीन चीजें आपको मैं अंशों के हरण की प्रक्रिया के दौरान बताऊंगा अंशों का निर्गमन निर्गमन रीइश्यूड ऑफ शेयर्स भी आपको पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन में रीइश्यूड ऑफ शेयर्स में क्या होगा वो भी तीन कंडीशन में होते हैं अट पर भी होता है प्रीमियम पर होता है डिस्काउंट पर होता है तो तीनों कंडीशन पर
फॉरफीचर और तीनों ही कंडीशन पर रीइश्यू होता है। तो फॉरफीचर में समय है जब कंपनी शेयर को इश्यू करती है, शेयर होल्डर को अलॉट करती है, अलॉटमेंट करने के पश्चात कंपनी उससे पैसे की डिमांड करता है, यदि डिमांड करने पर कंपनी शेयर होल्डर्स पैसा देने से इनकार कर देते या नहीं दे पाता, उस कंडीशन में दो चीज हो सकती है, या तो शेयर को सरेंडर कर दे या तो फॉरफीचर कर दे। तो फॉरफीचर का आपको मैं आपको बताऊंगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, सरल सा है, इसका एक ही डेफिनेशन है, सरल भाषा में है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर द कैंसिलेशन ऑफ शेयर, बस इतनी सी बात है। इसमें कैपिटल गेन होगा, गेन को कहां डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।